मामला जनपद एटा के थाना साकेट क्षेत्र के गांव गुटलई का है, जहां भारी बारिश का कहर टूटकर एक परिवार पर गिरा है। भारी बारिश के चलते गांव गुटलई में बने एक मकान के ऊपर का कमरा अचानक भरभरा कर गिर गया, जिससे मकान के मलबे में एक 12 वर्षीय बच्चे सहित एक 45 वर्षीय महिला दब गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। 12 वर्षीय विकास और एक 45 वर्षीय महिला शीशमती दवनी के चलते गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बाहर निकालकर उपचार के लिए एटा जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टर प्रवीण कुमार ने मासूम बच्चे को मृत घोषित कर दिया और 45 वर्षीय महिला शीशमती की हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें आगरा SN मेडिकल कॉलेज रेफर किया। वहीं महिला शीशमती की हालत इतनी गंभीर थी कि वो आगरा SN मेडिकल भी नहीं पहुंच पाई और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं मकान के मलबे में दबकर हुई दो लोगों की मौत से पूरे गांव में मातम पसर गया है और परिवार के लोगों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल थाना पुलिस ने दोनों मृत शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एटा से आरवी द्विवेदी की रिपोर्ट, SKH न्यूज। जब गए तो हम दोनों को यहाँ लेके आए अस्पताल, तो अस्पताल में बच्चा तो हमारा भतीजा नहीं था, वो खत्म हो गया और एक महिला है वो गर्भवती तो आ गई। तो आगे क्या पोजीशन है उनकी? अब रास्ते बताते हुए खत्म हो गई, खबर आ गई। महिला की भी मौत हो गई? हाँ। तो संदीप के दो लोग आए थे, जिसमें कि एक एडोलेसेंट 14 या 15 साल का बेटा बच्चा और एक 45 ईयर्स की महिला आई थी। तो हालत महिला की सामान्य लग रही थी, बट वो भी पूरे कॉन्शियस में नहीं थी। तो हमने उसे हेड इंजरी के सोचते हुए मैंने उसे आगे CT स्कैन के लिए आगरा रेफर किया था। और उसका जो जो बालक था उसको काफ़ी